जय माता दी। दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं बालूशाही, एकदम बढ़िया सा बालूशाही, खस्ता बालूशाही हमारे तैयार होंगे बिल्कुल इस तरह से। तो अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूले दोस्तों। तो इधर हम कढ़ाई में घी को डाल दिए हैं गर्म होने के लिए। तब हम इसमें मोयम डालेंगे मैदे में। तो इस तरह का हमारा घी है और हमें रिफाइन का भी यूज करना है। तो यहाँ पे हमने 7.5 केजी मैदा लिए हैं और 7.5 केजी हमारे बोरी में मैदा रखे हुए हैं। 15 किलो का हम बालूशाही तैयार करेंगे। तो पहले हम 7.5 किलो मैदे का बालूशाही लगाएंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1 किलो मैदे में 300 ग्राम मोयम। तो हम आधा घी और आधा रिफाइन का मोयम डालेंगे। तो हमें 300 ग्राम मैदे में, हमें 1 किलो मैदे में 300 ग्राम के हिसाब से मोयम डालना है। इधर हम 2 ढक्कन बेकिंग सोडा डालेंगे, 2 ढक्कन डालेंगे। उसके बाद 1 ढक्कन हम खाने वाला मीठा सोडा डालेंगे। घी और जो हमने रिफाइन इसमें डाले हैं उसको मिक्स कर लेंगे। तो एक किलो मैदे में 300 ग्राम के हिसाब से हमने मोयम को डाले हैं। तो इस तरह के हमारे नमी हो जाएंगे मैदे में बिल्कुल इस तरह से, देखिए। तो परफेक्ट तरह से मोयम हमारा डाले हैं हम। अब इसको हम मिलाने के बाद पानी को डालकर हम इसका डो लगाएंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और आटे को गूंथते रहेंगे। तो इस तरह से हम गूंथते रहेंगे, जितना पानी लगेगा उतना हम पानी यूज करेंगे। तो हमें कितना डो किस प्रकार से तैयार करना है तो बने रहिए हमारे वीडियो में। वीडियो के एंड तक लगना, तभी आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी हमारे बालूशाही बनाने का तरीका। तो इस तरह से हम लगा रहे हैं मैदे को। तो गाइस, कुछ इस तरह का हमारा मैदा होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से इतना गीला हमको रखना है क्योंकि हमने मोयम डाले हैं घी का भी, तो बाद में थोड़ा टाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोइया काटेंगे। तो जितना बड़ा हमें साइज चाहिए उस तरह का लोइया काट के और गोला गोला करके अंगूठे से दाब देंगे दोनों तरफ। तो उसी प्रकार से सारे बालू शाही को तैयार कर लेंगे। तो गोला गोला करके अंगूठे से दाब के सारे बालू शाही को जितना बड़ा बनाना है तो उस तरह से हम बना लेंगे। उसके बाद हमें फ्राई करने के लिए मीडियम आंच चाहिए। तो इसी मीडियम आंच में हम बालूशाही को जितना हमारा आएगा उतना डालते रहेंगे बालूशाही को, और बालूशाही धीरे धीरे ऊपर भी आने लगेंगे। तो ध्यान रखें तेल से कम ही बालूशाही डालें, क्योंकि बालूशाही धीरे धीरे बड़ा होता है तो तेल में सारे भर जाएंगे बालूशाही। तो तेल के हिसाब से कम बालूशाही डालना, अगर बाद में जगह हो तो और भी डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे सारे बालूशाही हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, अभी जगह है हमारे कढ़ाई में, तो और थोड़ा बालूशाही को हम डाल दे रहे हैं। तो इसको थोड़ा टाइट होने दे और आँच को हल्का से इस प्रोसेस पे बढ़ा सकते हैं जब सारे बालूशाही ऊपर आ जाए। तो हमें आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, मीडियम से थोड़ा तेज़ करना है ताकि हमारे अच्छे से बालूशाही पक जाए। तो भी हमें बालूशाही को चलाना नहीं है जब तक थोड़ा हमारा बालूशाही टाइट न हो जाए।
तब तक हमें थोड़ा पकने दीजिए इसे। तो देखिए कुछ इस तरह से टाइट हो गए हमारे बालूशाही। तो अब थोड़ा हमको उलट पलट लेना है, ऊपर नीचे कर देना है, ताकि सारे बालूशाही चारों तरफ से हमारे बालूशाही परफेक्ट तरह से सारे पक जाए। तो इस तरह से हम उलट पलट के सारे बालूशाही को तैयार करेंगे। तो बालूशाही हमें ब्राउन कलर का बिल्कुल परफेक्ट तरह से निकालना है। अच्छा सा जब हमारा तैयार हो जाए बालूशाही, तो आपको हम दिखाएंगे किस प्रोसेस पे निकालना है बालूशाही और कैसे चेक करना है बालूशाही को कि हमारा बालूशाही हुआ कि नहीं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो देखिए इस तरह के बिल्कुल हमारे बालूशाही पक चुके हैं। तो एक माचिस की तीली ले लें, तो इस तरह से जब चौकेंगे तो एकदम बिल्कुल आसानी से तीली अंदर बाहर होने लगेगा। इस तरह से अंदर पकड़ेगा भी नहीं। तो हमारे बालूशाही हो गए हैं परफेक्ट तरह से। तो थोड़ा से और इंतज़ार कर ले, उसके बाद सारे बालूशाही को आप निकाल लीजिए बाहर। तो सेम यही प्रोसेस से आपको मैदे को सानना है, कितना मोयम डालना है, कैसे सानना है, कैसे गोटी तोड़ना है, कैसे बालूशाही को तैयार करना है, सारे विधियाँ यही ट्रिक है। ऐसे सारे बालूशाही को हम बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम चीनी में बनाएंगे चाशनी, उसमें डालेंगे बालूशाही। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो इसी प्रकार सारे बालूशाही को फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 10 केजी चीनी, 10 केजी हमारा चीनी है, आधा पानी डालकर हमें एक चिपचिपा सा चाशनी तैयार करना है। न हमें कोई तार चाहिए, न ज़्यादा मोटा चाशनी चाहिए, बस बढ़िया चिपचिपा सा चाशनी तैयार करना है। तो हमारे चाशनी इस तरह से तैयार हो गए हैं, पक रहे हैं हमारे चाशनी। तो उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, ताकि जो सफ़ेद सफ़ेद बुलबुले हैं वो कम हो जाए और हमारा सीरा साफ़ हो जाए बढ़िया सा। तो चाहे तो इनको आप छान के निकाल भी सकते हैं, तो इससे निकालने से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सब सही हो जाएंगे। तो हम चाशनी को तैयार करने के बाद बालूशाही को डालेंगे सीरा में। तो इस तरह से हमारे बालूशाही के सीरा तैयार हो गए हैं चिपचिपा सा। अब इसी प्रोसेस में हमें बालूशाही को चाशनी में डालना है। तो हम बालूशाही को थोड़ा थोड़ा करके जितना हमारा बालूशाही सीढ़े में आएगा, एक से दो बार चार बार जितना आए उसी हिसाब से डाल के अब कम से कम 10 मिनट तक डूबे रहने दे सीढ़ा में बालूशाही को। तो सो गाइस हमने गैस को बंद कर दिए हैं, सीरा हमारा गरम है। तो बालूशाही पाकने के लिए एक चीज़ का गरम होना ज़रूरी है, या तो बालूशाही गरम हो या तो आपका सीरा गरम हो, दोनों में से एक चीज़ गरम होना ज़रूरी है। तो हमारा बालूशाही तो कम गरम है, बट सीरा गरम है तो चलेगा। तो 10 मिनट तक दोबारा रखने दीजिए सीरा में बालूशाही को। उसके बाद सारे बालूशाही को आप बाहर निकाल के इसी तरह सारे बालूशाही को सीरे में डालकर निकाल लीजिए। तो बिल्कुल देख लीजिए परफेक्ट तरीके से हमारे बिल्कुल खस्ता बालूशाही तैयार हुए हैं। अब हम इनको बर्तन में निकाल लेंगे, जितना डालेंगे उतना निकालते जाएंगे। तो इसी हिसाब से हम सारे बालूशाही को चाशनी में तैयार करेंगे। तो देखिए कितना शॉर्ट तरीके से हमारे बालूशाही में अंदर तक सीरा एकदम है और बढ़िया सा हमारा बालूशाही हो गए हैं।
तो आप थोड़ा ठंडा होने पे हमारे बालू साहब बिल्कुल खस्ता हो जाएंगे, जो घी का मोयम है बिल्कुल बढ़िया सा खस्ता जाम हो जाएंगे बालू साहब। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट कम बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। तो गाइस हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।